समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कानपुर मंडल प्रभारी शेषनाथ यादव जी की ओर से अपने क्षेत्र की जनता, अपने देशवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। शेषनाथ यादव है, मैं पूर्व के कानपुर मंडल प्रभारी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सभा की तरफ से रहा हूँ और मैं इस समय पूरे प्रदेश नगर और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी लोग ये हंसी खुशी का जो त्यौहार है इसको दीप जलाकर अपने आस पास पड़ोस के सबको गले लगाकर इस त्यौहार को मनाया जाए। ये त्यौहार एक ऐसा होता है जो घर की सफाई उफाई और अपने दिलों में जो मैल होता है उसको दूर करने का त्यौहार होता है और सभी लोग इसे हंसी खुशी से मनाते हैं। कोई बैर कोई दुश्मनी नहीं रहती, सब लोग भूल जाते हैं। इस दीपक को जलाकर जो रोशनी होती है, ये रोशनी प्रकाश की जो फैलती है अपने भविष्य के लिए फैलती है कि जो उसको देखें और उसको आगे बढ़े, इस कारण ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के त्यौहार को हंसी खुशी मनाना चाहिए, यही सभी से हमें शुभकामनाएँ हैं। सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि दीपावली का त्यौहार आप मनाइए। हम लोग तो इस समय त्यौहार इसलिए ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे माननीय नेताजी का अभी इंतकाल हो गया है और उन्हीं के गम में अब समाजवादी पार्टी तो उतनी हंसी खुशी नहीं मनाएगी, लेकिन दीप तो खैर जलेंगे। वो दीप चाहे 5 जले लेकिन दीप जलाया जाएगा और त्यौहार में वो रौनक नहीं रह गई है। नेताजी की आत्मा को शांति के लिए मैं बार बार नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और सभी को मैं यही कहता हूँ कि सभी लोग हंसी खुशी त्यौहार मनाइए और कोई भी दुश्मनी मत रहे, दिलों से निकाल दीजिए और सब लोग एक होकर एक मत होकर अपने सभी साथियों के साथ दीपावली मनाइए। दीपावली की आपकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों और हमारे जितने मिलने वाले हैं सभी को।